दोस्तों साल का एक और नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, यह है ईएसआईसी का सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन दो कंफ्यूजन आ रहे हैं कि सर यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए बुलाया जा रहा है या फिर कौन लोग इसको अप्लाई करें। देखो गाइस, यहाँ पर 93 टोटल नंबर ऑफ पोजिशन है, इसके लिए ये नोटिफिकेशन ईएसआईसी ने नोटिफाई किया है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें साफ शब्दों में लिखा है अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट अगर वो हो चुका है, डिग्री है उसके पास में, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन ब्रैकेट में इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेफरेंसेस हैं वो दी जाएंगी ऐसे ग्रेजुएट को जो कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट के होंगे। देखो इसका आसान शब्दों में मतलब यही है कि अप्लाई तो सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है कॉमर्स में, लॉ में, ठीक है, या मैनेजमेंट में, तो उनको हम पहले एंट्री देंगे। आप ऐसा समझो कि जब इक्वल मार्क्स होंगे, रिक्रूटमेंट स्टेज पर दो कैंडिडेट बैठे होंगे जिनका सब कुछ इक्वल होगा, और उनमें इनको अगर चूज करना होगा तो ये ऑलवेज जो है अपने ग्रेड वाले को लेंगे जिसमें कि कॉमर्स है, लॉ है और मैनेजमेंट है। ठीक है, अब किसी के नंबर ज्यादा होंगे मेरिट लिस्ट में तो ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो बीटेक किया होगा या फिर उसने बीएससी कर रखा होगा, उसको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर दो कैंडिडेट होंगे, एक ने बीएससी कर रखा है, एक ने बीकॉम कर रखा है, तो यहां पर बीकॉम वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स होंगे और जो स्कोर है उन सारी चीजों को मेजर करते हुए। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस वाइज इन्होंने सीधी बात यहां पर क्लेरिफाई कर दी है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो ये है गाइस कि यहां पर एक्सपीरियंस का क्या सीन है। ठीक है गाइस, देखो मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, इस रिक्रूटमेंट में एक पॉइंट और लिखा है कि वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जिसमें इन्होंने एमएस ऑफिस जो होता है, जिसमें आपको वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेल है, ये चीजें आनी चाहिए, मतलब ऑफिस सूट। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और डेटाबेस की भी साथ में। और एक पॉइंट जो इन्होंने एक्सपीरियंस का लिखा है वो डिजायरेबल है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन गाइस वही बात बनेगी कि अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस वाला है तो उसको ये लोग ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है। लेकिन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमेशा जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको चूज किया जाएगा। तो अब आप देख लो कि सारे नोटिफिकेशन कोई भी आता है तो आप चाहे उसमें एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, आप आईबीपीएस पीओ के लिए दोनों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार इसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या इसको कम देंगे। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है और उस एक्सपीरियंस में क्या चीज ये काउंट करेंगे वो इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया कि 3 साल की अगर सर्विस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो हो, या फिर कोई कॉर्पोरेशन में आपने सर्विस ली हो वो हो, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई पीएसयू है उसमें आपकी हो, या फिर किसी बैंक में आपने शेड्यूल्ड बैंक में काम कर रखा हो, वो आपका एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनके क्राइटेरियाज हैं, अब आपको मैं सीधा कंक्लूजन बता रहा हूं, आप सिंपल से एक ग्रेजुएट हैं, आप अगर चाहते हो कि मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं, आप बिंदास भर दो। ठीक है, ये इफ एल्स वाले केसेस जो हैं इनको आप साइडलाइन करो, ये बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार यही सारे फिट हो जाएंगे, दो कैंडिडेट मिलेंगे, दोनों के नंबर इक्वल होंगे, उसको ले लिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, ये सारी बातें बात की हैं। लेकिन मेरा ऐसा रिकमेंडेशन आपको होगा कि आप अगर ग्रेजुएटेड हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप एसएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी जो है वो आप एक बार देख लो, अनरिजर्व के लिए 43 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 24 है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी बीकर सेक्शन, इसके लिए जो है टोटल 9 वैकेंसीज हैं। तो टोटल हमारी लेस देन 100, दैट मींस कि 93 वैकेंसीज यहां पर हो जाती हैं। ठीक है, कई सारे अलग अलग इसमें पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये गाइस जो पोजीशन है वो मैनेजर ग्रेड 2 है, सुपरिटेंडेंट इन ईएसआई कॉर्पोरेशन है, उसका रिक्रूटमेंट उन्होंने निकाला है। तो इसमें कई सारे कैटेगरी हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें और भी काफी इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और हाँ, पे स्केल के बारे में एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, बहुत अच्छा खासा पे स्केल है इसमें, 7th पे अगर मैट्रिक्स की बात आप करो तो 1,42,400 का इन्होंने पैरामीटर दे रखा है एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन अप टू, ये है मैक्सिमम इनका। ठीक है, 44,900 से लेकर। दूसरी चीज है, इन एडिशन क्या क्या है, एलिजिबल आप होंगे डीए के लिए, एचआरए के लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए और अदर अलाउंसेस जो इस ड्यूटी में आप सभी को मिलते हैं।
तो ये रिक्रूटमेंट है। और बाकी एक बार जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है कि आपको थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी वो आपको भरनी होंगी, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये का जो है इनका फॉर्म फी है। बाकी सब के लिए जो SC ST कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए 250 का प्रोविजन यहाँ पर इन्होंने रखा है। ओके, और मैं थोड़ा सा और इस नोटिफिकेशन को देखूँ ध्यान से, तो जो एग्जामिनेशन की स्कीम है SSO की, उसमें आपका इंग्लिश सेक्शन आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका क्वांट आएगा, जो आपके 20 मिनट्स के IBPS PO प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसी तरीके से ये वाला पूरा फेज होगा, ठीक है। और आप फेज वन क्वालिफाई करोगे, केवल फेज वन क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके नंबर सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, और ये फेज टू में 1:10 के रेशियो में लोगों को लेकर आएंगे। और आप ये मानकर चलें कि जो फेज टू मेन्स एग्जामिनेशन है ये आपका कंप्लीटली बैंकिंग बेस्ड है, इसमें आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंशियल है, इंश्योरेंस अवेयरनेस है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, इंग्लिश और क्वांट है, ठीक है। टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, और सबके लिए सेपरेट आपकी मार्किंग है। जैसे कि अगर हम देखें रीजनिंग के लिए 35 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन, ठीक है, 60 नंबर के, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के लिए आपका जो है 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। गाइज, जो पूरा बैंकिंग इकोनॉमी जनरल वाला है वो सेगमेंट हम कवर कराएंगे, तो जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली क्लास आती हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं। बाकी PDF आपको चाहिए इस कोर्स के लिए तो आप करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको जो बैंकिंग के नोट्स हैं, आपको जनरल अवेयरनेस हैं, डेली, वीकली, मंथली, सब कुछ आपको एक फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी होली डिस्काउंट चल रहा है तो आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज टू के हिसाब से यहाँ पर होगा, और बाकी डिटेल मैं आप सभी के पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। आपका कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर नीचे पूछें, और बिंदास फॉर्म भरें, कई सारे इसमें क्लॉजेज हैं, लेकिन मैंने आपको सीधा बता दिया, डिजायरेबल का मतलब है कि आता हो नहीं आता हो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई प्रेफरेंस कैंडिडेट मिलेगा, ठीक है, ऐसा कैंडिडेट कि जो ज्यादा कुछ जानता होगा उसको ये लोग जो है वहां पर प्रेफरेंसेस देंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर है, ओके, तो आप लोग भरें फॉर्म और अपना कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। और करंट अफेयर्स फंडा का जो एप्लीकेशन है वो मैंने नीचे प्ले स्टोर का लिंक दे रखा है, आप जाएं और जाकर डाउनलोड कर लें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू गाइस।